मजा बिगड़ गया। पूरी तैयारी थी हमारी ढोकले की कि जैसे ही इंडिया टीम जीतेगी ढोकला खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे हम। मतलब मैच में तो भले ही बारिश पड़ गई हो लेकिन अपना तो खाते हैं कुलचा और कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि मैंने बताया था कि सारी तैयारी है। अभी एक बोतल और रखी जो दिखाई थी मैंने अभी। भाई साहब देखो यार, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज है 2 सितंबर 2023। तो आज का दिन जो है इंडिया वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। उसके पीछे के दो रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न है जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आज लॉन्च करने जा रही है आदित्य L1 विच इज़ रिलेटेड टू सूर्य। और आज दूसरा रीज़न है, आज है राइवलरी मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। एशिया कप स्टार्ट हो चुका है जिसमें से कि आज पहला मैच है इंडिया का और पहला ही मैच है पाकिस्तान के साथ। क्या बात कर रहे हैं बाबा, और काफ़ी दिनों बाद मैच हो रहा है कोई भी पाकिस्तान के साथ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मैच देखने के लिए, क्योंकि पहले जो है 11:50 के लगभग होगा हमारा L1 लॉन्च, उसके बाद 3:30 से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 4 बजे से मैच हो जाएगा स्टार्ट। तो उसके लिए भी फिंगर क्रॉस, और कोई भी आज हटने नहीं वाला टीवी के सामने से, आई नो। अच्छा, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद है और इंडिया पाकिस्तान का मैच के साथ तो ऐसे इमोशंस जुड़े हुए हैं ना हम सभी के कि पता नहीं क्या ही हो जाए। एक तरफ ये होता है कि कुछ भी हो जाए, एशिया कप का फाइनल का कुछ भी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से नहीं आनी चाहिए। बात तो सही है। सेम चीज पाकिस्तान वालों को होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर पाकिस्तान इंडिया वालों से नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो। इस बीच में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं आज के मैच में, क्योंकि काफी दिनों बाद है। तो ऑल द बेस्ट टू इंडिया एंड ऑल द बेस्ट टू इसरो कि लॉन्च अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 10:30, तो 1:40 के लगभग हमारे पास टाइम है लॉन्च होने में। तो फटाफट से पहले कर लेते हैं नाश्ता और आपको सीधा मिलते हैं हम लॉन्च के टाइम पे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये देखो इसरो की तरफ से स्टार्ट हो चुका है मिशन, लॉन्च होने में बाकी 2 घंटे 14 मिनट 21 सेकंड 20 सेकंड। और यार मेरे से ना एक गलती हो गई, मैंने गलत बता दी। तो 1.5 लाख किलोमीटर नहीं है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा, 10 कितना हो गया, 1.5, 15 लाख, 15 लाख किलोमीटर दूर है सूरज यहाँ से। नहीं, सूरज से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन हमारा जो रॉकेट जाने वाला है वो, हाँ, जिस ऑर्बिट तक हमारा रॉकेट जाएगा वो है 15 लाख किलोमीटर। तो भाई देख रहे हो फीलिंग धक 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 धक। पर पता नहीं क्यों यार, जितनी इसका है ना, जितना चंद्रयान 3 का हाइप बना था, सबको स्टेटस वगैरह लग रहे थे, इसका ऐसा आ नहीं रहा बिल्कुल भी कुछ भी, ना किसी ने स्टेटस ज़्यादा लगाया ना कुछ है। पर फिर भी 2 घंटे 13 मिनट बाकी हैं, तो टाइम तो 11:30 का था, 9:30 बज रहे हैं मम्मी। टाइम सब गलत दिखवा रही हो मेरे से, देख रहे हो गाइस 11 बजे का टाइम है। मैंने कहा ये अरे यार सॉरी गाइस, मैंने, मेरे को लगा देखो हमारी घड़ी में ना ऐसा लगता है कि इस टाइम पे 10:30 बज रहे हैं, तब मैंने बोला 1 घंटा बाकी है। सॉरी मेरी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, तो 2 घंटे बाकी हैं। तो गाइस बस अब 30 सेकंड बाकी हैं, 30 सेकंड बाद लॉन्च हो जाएगा। भाई इस टाइम पे तो साइंटिस्टों के ना अंदर ऐसी फीलिंग चलती होगी, धुक 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 धुक, हम लोग बाहर बैठे हमको ऐसा लगता है। पर लेकिन नहीं, थोड़ी देर में होने वाला स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये देखो यार चला गया गाइस, चला गया सक्सेसफुली विदिन अ सेकंड, तुरंत के तुरंत जैसे काउंटडाउन खत्म होता है ना उसके साथ ही निकल जाता है। ये एक्यूरेसी एकदम बहुत ही बढ़िया, एंड वंस अगेन सॉल्यूट। तो सक्सेसफुली हमारा आदित्य L1 हो चुका है लॉन्च। मैं इतना खुश क्यों, क्योंकि यार मेरा नाम भी आदित्य है। तो अभी मैंने 2 घंटे पहले एक पोस्ट डाली थी, स्टेटस डालते व्हाट्सअप पे आदित्य L1 लॉन्च के लिए विद फिंगर क्रॉस, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं ये वाली पोस्ट डाली थी मैंने। तो उसमें कुछ लोगों के रिप्लाई आए हैं, अच्छा आज आप लॉन्च हो रहे हो, कुछ हंस रहे हैं कि इसलिए डाला ना क्योंकि उसमें तेरा नाम है। मैंने कि नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, बस देश के लिए थोड़ा है। वो बंदे ऐसा कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे कुछ साल पहले तक, और हम तो अभी भी नहीं सोच सकते जो उन्होंने कर दिया है। तो भाई सक्सेसफुल हो जाएगा, 3-4 महीने बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी। बाकी इसके डिटेल में मैं आपको अभी 1 घंटे करूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, मैं किसी एक ब्लॉग में डिटेल में कि क्यों भेजा है, क्या रीज़न है, क्या कैसे है। एक चीज का इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है इंडिया का, क्या 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ था।
तो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी ने यानी कि इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च करा था। टाइमिंग क्या थी? 11:50 सुबह के। तो जल्दी से ये GK में आने वाला क्वेश्चन है, वैसे ज्ञान देता हूँ प्यार हो ऐसे ज्ञान देते रहूँगा आगे भी। तो बस इंतजार करते हैं टॉस वगैरह का, मैच का भी देखते हैं क्या सीन है। बाकी दिक्कत ये है यार, 50 ओवर का मैच होने वाला है तो 7.5 घंटे कैसे भाई, मैं तो नहीं हटने वाला बिल्कुल भी। और स्पेशली मैं तो ये चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, क्योंकि चेज़ करने में हमारी इंडिया टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर टॉस इंडिया जीते तो उसको बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। बाकी वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जग गए हुए हैं, उनको पिच की रिपोर्ट पता है कैसी श्रीलंका में मैच हो रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर करके स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बुलाया है, हम जैसों को नहीं बुलाया गाइस, पता नहीं क्यों आप मेरे को फेमस ही नहीं कर रहे यार। प्लीज़ कर दो यार कि मैं भी लाइव मैच दिखाऊँ। बट एनीवे कोई नहीं, समय समय की बात है, आएगा अपना टाइम भी आएगा। तब ये तो हो गया, बस 3:30 आपको रिपोर्ट देंगे टॉस वॉस की जैसे भी है। काफ़ी मज़ेदार दिन रहा है आज का। एक चीज़ तो होगी सक्सेसफुल रिटर्न, जिसकी वीडियो मैंने 6 मिनट की, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल जो है इंडिया पाकिस्तान का टॉस, तो अभी फिलहाल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसका टॉस हो चुका है। और यार जैसा मैंने सोचा था कि इंडिया को बाद में बैटिंग करनी चाहिए, वो मैं गलत था, मैंने बोला ना कि वो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो इंडिया ने वो टॉस जीता है और उसने सेलेक्ट किया है कि पहले हम बैट करेंगे। इंडिया ने टॉस जीता है और उन्होंने सेलेक्ट करा कि पहले वो बैटिंग करना चाहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हमें क्या मतलब है, हमें बस जीत से मतलब है। तो बस राष्ट्रगान होने वाला है स्टार्ट थोड़ी देर में, मैं बस नहाने गया था इतना आगे देखा कि टॉस चल रहा है, मैं चलो देखते हैं फटाफट से। टॉस की वीडियो नहीं बना पाया मैं, तो फिर अब राष्ट्रगान की दिखाते हैं आपको और फिर थोड़ी देर में मैच होने वाला स्टार्ट। तो फिंगर क्रॉस एंड ऑल द बेस्ट। बस एक अच्छी स्टार्टिंग हो जाए, साझेदारी हो जाए अच्छी खासी, तो मैं इतने बैटिंग स्टार्ट करते इतने मैं भी अपना खाना परोस के लेता हूँ। अभी मम्मी और भाभी तो गए हैं मार्केट, तो मैं मटकू ही हूँ बस घर पे, तो लुफ्त लेते हो बाकी देखो। तो ये देखो यार, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, जैसा मैंने बोला था ना कि खा पी के मस्त रहेंगे, तो मैं एक ना सुबह जब ब्रेड लेने गया था उसी टाइम में कोल्ड ड्रिंक भी लिया था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पियेंगे बाकी खा। मैच में तो भले ही बारिश पड़ गई हो लेकिन अपना तो खाते हैं कुलचा और कोल्ड ड्रिंक, जैसा कि मैंने बताया था कि सारी तैयारी है। अभी एक बोतल और रखी जो दिखाई थी मैंने, अभी कुलचा है, बाकी साथ में लेकर आई है भाभी और मम्मी ढोकला, ये रात को खाएंगे जब इंडिया जीत जाएगा। चलो मटको, उठ जाओ बाबू, इनिंग खत्म, उठ जाओ, चलो इनिंग खत्म हो गई, जग गई ना, देखो अब जाग रही हो तुम, जब से मैच चला तब से थी नहीं, बोर हो रही है, कोई तो पल्ले की भाई। लेकिन लड़की ने पूरी इनिंग देखी है ईशान की और हार्दिक पांडे की, क्योंकि यही दो बंदे हैं जिन्होंने पारी संभाल ली, नहीं तो एक टाइम पे ये लग रहा था 100 रन भी नहीं बन पाने के। पर अब जिस कोई नहीं ऑल आउट हो चुकी है 266 पे, अच्छा खासा स्कोर है, डिफेंडिंग स्कोर है। अब बस बॉलर के हाथ में बात है कैसा, बाकी जो ऊपर के प्लेयर थे चलो कोई नहीं, हर किसी का हर दिन नहीं होता। एनीवे बस जीतना चाहिए, हमें जीत से मतलब है, कैसे भी हो जीतनी चाहिए। तो ऑल आउट हो गई है, 8:15 फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है, अब स्टार्ट होगी जहाँ तक 8:30। जैसा मैंने बताया था ना पूरी तैयारी, मम्मी देखो फ्रूटी भी लेकर आई थी, तो इंजॉय करके देख रहे हैं मैच पे, ऐसी बात नहीं है पूरे जलवे में। ये क्या हो गया गाइस, पूरे दिन से मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक अच्छी तरीके से और बारिश की वजह से यार रद्द हो गया मैच, सिट सारा मजा बिगड़ गया। पूरी तैयारी थी हमारी ढोकले की कि जैसे इंडिया टीम जीतेगी ढोकला खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे हम, मतलब ढोकला खाएंगे लेकिन जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। एनीवे तो अब तो बस इसको एंड ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप सभी ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।